नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क भी। डिस्क देखो कैसे होती है भी। सिंपल जो रिंग में क्या था, सिर्फ बाउंड्रीज थी भी, मास सिर्फ बाउंड्रीज पे था भी। इसमें मास बीच में भी होगा, यस और नो? अगर आप डिस्क देखो तो एक रुपये का सिक्का जो है वो डिस्क की तरह काम करता है, ठीक है। अगर आप डिस्क को ऑब्जर्व करो, देखो ये डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह मास की वैल्यू क्या है, बराबर है। सेम करना, अभी इसके भी केस बन सकते हैं। बुक में एक ही केस दे रखा, जो मैंने पहला केस यूज़ किया ना, उसको निकालते कैसे हैं ओ, बाकी रेडियस वगैरह डायमीटर वगैरह हम उसके भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए बड़ा टॉपिक ना बना के बुक पढ़ा, क्या करता है, एक केस यूज़ करता है। बाकी इसी तरह जो मैंने पहले किए थे, तो वही बने बाई यूजिंग फॉर्म से कर लोगे भाई। अब आपको याद हो ना, रिंग में मैंने क्या किया था, रिंग में मैंने स्मॉल एलिमेंट यूज़ किया था भाई, और सिर्फ बाउंड्रीज थी तो एलिमेंट भी छोटा सा लेंथ की तरह से था। इसका स्मॉल एलिमेंट कैसा होगा भाई? इसको अगर छोटे छोटे भागों में तोड़ें तो क्या लगेगा आपको भी, कैसे टूट रहा है ये? एक छोटा भाग तोड़ दिया मैंने, ऐसा लगता है कि ये रिंग है भाई। समझ में आया? इसका एक भाग टूट गया, छोटी होगी भी, ऐसा लगता है कि ये बहुत सी रिंग से मिलके बनी है। एक रिंग ये होगी, फिर अगली रिंग ये, फिर अगली रिंग ये, इस तरह की, यस और नो? अगर इसको स्मॉल भाग में तोड़ेंगे तो ये एज लाइक द रिंग्स भी क्या बनेगा, रिंग का। अगर हम बहुत सी रिंगों को जोड़ दूंगा क्या बननी है, डिस्क बननी है। समझ में आया कि नहीं आया? ऑफ डिफरेंट रेडियस भी, सही है कि नहीं है? तो एक डिस्क किसका पार्ट है, एक्चुअल में रिंग का पार्ट है। बहुत सी रिंग्स आपस में क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, तो क्या बन गई है, डिस्क बन गई। तो सिंपल तरीके से निकालेंगे जो हमने पहले निकाला हुआ है। इसको एलिमेंट में तोड़ेंगे, एलिमेंट किस में टूटेगा, इन टर्म ऑफ स्मॉल रिंग टूटेगा भी। ओके, तो लिख लीजिए, वी हैव ए डिस्क, वी हैव ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, वी हैव ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, कैपिटल m लीजिएगा भाई, ऑफ मास m एंड रेडियस r भी, रेडियस r, मास m है, रेडियस r है भी। ये है भी क्लास, देखिए ये डिस्क है भी, ऑफ मास m रेडियस r। आपको निकालना है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। पहला पॉइंट क्या था, याद है आपको? इसके सेंटर से एक्सिस पास करती है, उसके कारण निकाल था हम लोगों ने, ये डिस्क कैसे घूम रही है, कर लोगे? तो इसके निकालना है इस सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। रेडियस कितना यूज किया, आर, ये आर है। अब पूरे पे मास अभी खाली नहीं है, ये मास अभी पे है। अब क्वेश्चन है कि इसको स्मॉल भाग में तोड़ूं तो क्या बनेगा, रिंग बनेगी। इसको तोड़ेंगे ना तो क्या बनना है, ये रिंग स्ट्रक्चर बनेगी ऐसे भी। ओके, इसका स्मॉल एलिमेंट करें तो वहाँ तो लेंथ ही, सिर्फ लेंथ को तोड़ेंगे तो लेंथ ही बननी है छोटी सी, ये तो एरिया भाई, यस आर नो? तो कुछ ना कुछ बनेगा अरेंजमेंट इसका। तो अगर इसको स्मॉल पार्ट में तोड़ें तो क्या बनना है, रिंग बनना है, और रिंग का कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा भाई, और कुछ मोटाई भी होगी। ये क्या बना रहे हम लोग, रिंग। इसको मैंने स्मॉल एलिमेंट में तोड़ दिया, देखो इस रिंग की रेडियस है, इस रिंग की क्या मोटाई भी है भाई, यस और नो? रेडियस में एक्स मान लेता हूँ, कितना एक्स, और मोटाई कितनी मान लेते हैं, कुछ तो होगी, ये डी एक्स मान। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको निकालना पहले इस रिंग का, उसके बाद पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, तरीका तो वही है। ओके, डायग्राम बनाओ। अब वही प्रॉब्लम रहेगी भी, हमने एलिमेंट बना लेंगे इसका, इसका मास निकालना पड़ेगा, एलिमेंट है कितना है। इससे पहले लिखा था डीएल का मास कितना था भाई, तो डीएम माना था मैंने उसको, कितना था, एम बाई टू पाई आर बाई टू पाई आर इंटू डीएल था भाई। इसका भी ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ पर लेंथ तो नहीं है, पे एरिया है, तो भाई तो पूरा एरिया कितना होगा रिंग का भी, सॉरी डिस्क का भी, एरिया ऑफ डिस्क भी पूरा भी, सिंपल पाई आर स्क्वायर भी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आगे लिखिए,
लिखो डिवाइड द रिंग इनटू, डिवाइड द रिंग इनटू स्मॉल एलिमेंट, डिवाइड द रिंग इनटू स्मॉल एलिमेंट, एलिमेंट लिखिए ब्रैकेट में, क्या लिखोगे रिंग में, डिवाइड द डिस्क लिखवा मैंने, सॉरी डिवाइड द डिस्क इनटू स्मॉल एलिमेंट भी, डिवाइड द डिस्क इनटू स्मॉल एलिमेंट, ब्रैकेट में ले लीजिए रिंग भी, ओके यहाँ एलिमेंट है रिंग है भी, ओके ऑफ थिकनेस, ऑफ थिकनेस dx भी, ऑफ थिकनेस dx, कितने मोटाई की रिंग तोड़ी है सारी dx मोटाई की, हर एक की मोटाई dx सब की बार, ये फिक्स कर रखी हम लोगों ने dx dx, हाँ x अलग हो सकता है dx सेम रहेगा, कर लोगे। अब क्वेश्चन यही है इसका मास कितना होगा, विश रिंग जो बनाई है इसका मास कितना है, ठीक है। अब देखिए पूरे एरिया का मास कितना था भाई, पाई आर स्क्वायर, एरिया भी यूज करें तो लेंथ तो है नहीं, तो लिख सकता हूं कि पाई आर स्क्वायर एरिया का मास कितना है, कितना एम, पूरा मास भी, पूरी डिश का मास कितना था एम, था एरिया ही यूज कर रहे हैं तो वन का कितना होगा एम बाई पाई आर स्क्वायर में, क्या आप निकाल सकते हो जो एलिमेंट बनाया आप लोगों ने उसका एरिया कितना है, ये जो रिंग बनाई है इसका एरिया कितना है, जहां पे मास है, जहां पे मास है, मास बीच में मास तो है नहीं, मास और बाउंड्रीज पे है भाई, यस और नो, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो, यस और नो, लेंथ कितना भाई, इसका एक्स है टू पाई एक्स, कितना लेंथ है टू पाई एक्स, ब्रेथ कितनी है डी एक्स, मास आ गया, सॉरी एरिया आ गया इसका, यस और नो, समझ में आ रहा है, एरिया होता सिंपल लेंथ इनटू ब्रेथ भी, लेंथ कितना है इस रिंग का भी, क्लास लेंथ कैसे निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस है टू पाई एक्स, एक्स है इसका रेडियस टू पाई एक्स, लेंथ हो गई कितनी ब्रेथ है भाई डी एक्स, एरिया क्या होगा टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, दिस इज द एरिया, यहाँ पे लिख दो, इससे पहले लिख दो भाई, अभी लिखना नहीं है आपको, ये एलिमेंट भी, एरिया ऑफ एलिमेंट कितना भाई, कितना टू पाई एक्स, ये तो लेंथ हो गई इसकी टू पाई एक्स इंटू डी एक्स, क्या होगी ब्रेथ भी, दिस इज द एरिया, यस और नो भाई, तो मास तो यहीं पे है ना, बाकी तो खा लीजिएगा उसकी, कर लोगे। अब लिखते हैं भाई कि पाई आर स्क्वेयर एरिया पे कितना मास आया हुआ है एम बी, पूरे पे कितना मास है एम बी, कर लोगे वन पे कितना आएगा एम बाई पाई आर स्क्वेयर, और कितने एरिया पे यूज करना मेरे को, इसका निकाला मेरे को तो भाई टू पाई एक्स डी एक्स एरिया पे कितना मास होगा भाई, डीएम ले लें इसको, मास को डीएम ले लेता हूँ, इज इक्वल टू कितना भाई एम बाई पाई आर स्क्वेयर इंटू टू पाई एक्स डी एक्स भी, सही लिखा है, चेक करो भाई, वही टॉपिक है पहले वाला, अब की बार लेंथ की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं एरिया यूज कर रहे हैं हम लोग, कर लोगे सही है ये जो लिखा हुआ है, ये टॉपिक होते हैं ना ये बुक में मिलते नहीं अभी आपको, क्योंकि उनको लगता है कि आपको आता होगा, उनको पता नहीं तुम्हारे बारे में, बुक वाला मानता है कि आपको आता होगा, वो डायरेक्ट लिखता है, वैसे कोई क्लास में आया नहीं है, तो निकालना सीख लीजिए, कर लोगे एनी प्रॉब्लम भाई, डायरेक्ट डीएम लिख दूँ, कितना वैल्यू है डीएम का, कितना वैल्यू, कुछ कट रहा है क्या, काटो तो कट रहा हो, तो पाई से पाई काट देते हैं अभी, तो डीएम का वैल्यू कितना भाई, आर स्क्वायर हो गया, डीएम इज इक्वल टू कितना आएगा एम बाई आर स्क्वायर टू एक्स डी एक्स, यही है, देखो पाई से पाई काट दो भाई, कर दिया तो डीएम हो गया भाई। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा भाई, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग भी, पहला केस ऐसे भी पाई आर स्क्वायर था भाई, याद है रिंग का केस में पहला हमने यही केस यूज किया था भाई, क्या था पाई आर स्क्वायर, ऐसे तो है ये रिंग है, इसके ऐसी लाइन निकालना आपको, तो कितना आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट कौन है रिंग ही तो है,
सही है। इसको डी आई ले लूँ, स्मॉल के लिए स्मॉल यूज करते हैं। तो कितना होता मास इंटू डी एम इंटू क्या लिखूँ, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, एक्स स्क्वेयर भी रिंग तो यहीं पे है। यस और नो, कितना है डी एम इंटू एक्स स्क्वेयर भी सही है कि नहीं है, लिखते ना एम आर स्क्वेयर भी, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन भी, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाली उंगली और ये क्या इनके बीच की डिस्टेंस है, कर पाओगे? डायग्राम रब कर दें भाई। एम टू लिख दूँ, टू एम बाई आर स्क्वेयर एक्स डी एक्स, ये तो डी एम हो गया भाई, इन टू एक्स स्क्वेयर यही है डी एम, कर पाओगे? कितना वैल्यू बन गया डी आई का भी, टू एम बाई आर स्क्वेयर एक्स की पावर तीन होगी भी डी एक्स भी सही है बॉयज, एनी प्रॉब्लम भाई? अब देखिए भाई इसमें क्या होगा, हम तो पूरा निकालना है भाई पूरा डिस्क का, तो इस तरह के सारे एलिमेंट बनेंगे अभी, हर एक की मोटाई कितनी होगी डी एक्स होगी, सभी का निकालना पड़ेगा सभी को जोड़ना पड़ेगा भाई, इससे अच्छा क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें भाई, टोटल इनर्सिया कितना होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्सिया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी आई वी, इंटीग्रेशन किसको करना है 2m बाई आर स्क्वेयर एक्स थ्री डी एक्स, रेंज क्या रखें हमें, जीरो से पाई आर स्क्वेयर, देख लो भाई देखो दोबारा डायग्राम देखो भाई, ये डायग्राम था ये रिंग थी भाई, कितनी मोटाई थी रिंग की dx, अगर आप सभी dx को जोड़ दो मोटाई तो सेम कर रखी हम लोगों ने, ये भी dx है ये भी dx है ये भी dx है, तो रेडियस बन जाएगा ऑफ डिस्क भी, यस और नो? तो कहाँ से कहाँ तक करें, लाओ मत इसको कैमरे को हिलेगा, कहाँ से कहाँ तक भाई, जीरो से r तक रेडियस तक भी, अरे समझ में आ रहा तुम लोगों को, ये एलिमेंट काट दिया इसका एक एलिमेंट और कट हो भाई, क्या कट रहा है रेडियस कट रहा है भाई, यस और नो? क्या कट रहा है इसका रेडियस कट रहा है, सभी को जोड़ दो क्या होगा रेडियस बढ़ेगा, ये रिंग कहाँ तक लगेंगे इसके रेडियस आर तक लगेंगे, तो रेंज क्या रहेगी जीरो से लेके आर तक रहेगी भाई, क्योंकि डी एक्स डी एक्स डी एक्स मिलकर क्या बनाएंगे रेडियस बनाएंगे, कर पाओगे? लेंथ नहीं है क्लास, एरिया यूज किया जा रहा है, पर वहाँ पे तो पूरा था कि लेंथ कितनी थी पूरी 2 पाई आर थी भी, तो उसके हिसाब से कर लीजिएगा, इसके जितने भी छोटे एलिमेंट बनाओगे इतनी भी छोटे करोगे जितनी भी डी एक्स हो गया, फिर ये भी डी एक्स ये भी डी एक्स ये भी डी एक्स जोड़ो तो वापस क्या बनेगा डी एक्स इसका, फिर डी एक्स इसका डी एक्स इसका, इस तरह से क्या बन रहा है रेडियस बन रहा है, कर लोगे डी एक्स ही वेरिएबल है भाई, कर पाओगे? रेंज क्या रखेंगे जीरो से लेके आर तक, जीरो से लेके आर कर पाओगे इंटीग्रेशन भी, जल्दी से डायग्राम बनाओ, ये लिखिए हो गया, आई के लिए करिए आई इज इक्वल टू भी कॉन्स्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, टू है मास है रेडियस है, कॉन्स्टेंट है एक्स चेंज हो रहा है भाई हर बार बदल रहा है एक्स, यस और नो? डी एक्स उसके हिसाब से बदलेगा, डी एक्स के अकॉर्डिंग एक्स बदल रहा है, डी एक्स बदलने से एक्स की वैल्यू क्या हो रही है चेंज हो रही है, तो वेरिएबल ही है, तो कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकालते हैं 2m बाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर है ना, क्या बच गया जीरो से लेके r तक x की पावर 3 डी एक्स भी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 डी एक्स भी, सिंपल है भाई x की पावर 4 बाई 4, x की पावर का फॉर्मूला लगा दिया 4 बाई 4 जीरो से लेके r तक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे फॉर्मूला होता है x की पावर n का x n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 भी, तीन की पावर है x 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 भी, चार को बाहर निकाल लो बाद में काट लेंगे, कितना आएगा 2m बाई 4 आर स्क्वेयर भी, पुटिंग द लिमिट्स क्लास, एक बार लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट r की पावर 4 हो गया और जीरो की पावर 4 जीरो ही होगा भाई,
सही है कि नहीं है? ये टू से टू काट दो, यहाँ पे वन बाई टू हो गया, तो I इज इक्वल टू कितना बचा, वन बाई टू एम बाई आर स्क्वेयर इन टू आर फोर, सर I इज इक्वल टू क्या, वन बाई टू एम आर स्क्वेयर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क भी, कर पाओगे? अब सेम क्वेश्चन अगर केस बनाने हो तो उसके भाई, उसके बाद केस क्या था, डायमीटर के अकॉर्डिंग भाई, डायमीटर इसका भी सेम रहेगा, आईडी आईडी कौन सी थ्योरम लगाएंगे, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यस और नो, कर पा कर सकते हो उसको, बुक में नहीं दे रखा है, बुक पढ़ इतना ही छोड़ रखा है करके भी, क्या उसको केसेस कर सकते हो उसके सारे, ये आईडी होता है, ये भी आईडी, ये एक्सिस ऐसे है, तो क्या लिखोगे, वन बाई टू एम आर स्क्वेयर इज इक्वल टू आई डी प्लस आई डी, तो कितना हुआ आई डी की वैल्यू, वन बाई फोर एम आर स्क्वेयर, टू यहाँ पे आ गया, ये हो गया डायमीटर के अकॉर्डिंग भाई, फिर इसकी एक्सिस ऐसे है इन द प्लेन ऑफ, क्या यूज कर लेते हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी, फिर इसके ऐसे अगेन थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी, सारी केसेस बना सकते हो भाई, कर पाओगे? इतना ही करेंगे, आगे नहीं करना चाहते हम लोग उसको, लेकिन अभी क्लास नेक्स्ट टॉपिक है रोलिंग मोशन भी, देखो उसमें मेन तो वही था भाई, रोटेशंस कैसे हो सकता है बॉडी का, वही करना हमको, रोटेशन में रोलिंग में फर्क क्या है, रोटेशन है ये, बिल्कुल, देखो मैंने स्टार्टिंग टॉपिक किया था भाई, सबसे पहले ही टॉपिक किया था कि रोलिंग प्लस ट्रांसलेशन मोशंस का मिक्सअप है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशंस का, आपका व्हील जो चलता ना व्हील रोल भी करता है आगे भी चलता है भाई, और रोलिंग है भाई, और घूमता भी है अपने एक्सिस पे और आगे भी मोमेंट करता है भाई, और कौन सा है रोलिंग मोशन है भाई, देखो दो का कॉम्बिनेशन है भाई, किसका, ट्रांसलेशंस का और रोटेशंस का भी, उसको बोलते हैं रोलिंग मोशंस भी, तो सिंपल लिखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे इसमें, लिखिए इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर रोटेशनल मोशन एंड प्योर ट्रांसलेशनल मोशन भी, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर, या सिंपल लिखिए इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन भी, ओके अब किसका कॉम्बिनेशन है ये, रोटेशन का है, रोटेशन में ये होगा भाई, देखिए ये आपका व्हील है, ताड़ी मान लो आपका साइकिल है, ये ताड़ी है अभी इसमें, सही है, और ये क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है, रोटेशन है ना, क्या लिखा रोटेशन लिखा था मैंने पहला पॉइंट, रोटेशन का है, यहाँ पे रोटेशन हो रहा है अभी, प्योर रोटेशन, सिर्फ पहिया घूम रहा है अभी, अगर पहिया घूमेगा तो कैसे घूमता हो, ऐसे घूमेगा, कर लोगे, रोटेशन मोशन में हर पॉइंट पे स्पीड क्या होती है, अलग होती है, सॉरी हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या होगी, अलग होगी, यही होगी कि नहीं होगी, इसको आगे लेके जाना, कैसे घुमाएंगे इसको, यहाँ पर ऐसे लेके जाना आगे, ऐसे घूमेगा ना, या उल्टा आगे चलेगा, आगे ऐसे चलेगा, ये कर लोगे, इस पे हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है, अलग होती है, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या मिलेगी आपको, अलग मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है, डायरेक्शन क्या वेलोसिटी की भाई, इस पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट होगा, यहाँ पे क्या होगी, ऐसे भी यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे नीचे भी, आप टेंजेंट ड्रा कर दो तो क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देगा भाई, पत्थर बांध लो धागे के साथ, घुमाना शुरू कर दो, जहाँ से भी टूटेगा उसी से क्या चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ये भी बता रहा हूँ आपको, कर लोगे हर जगह पे डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंट ड्रा कर दो बस वहाँ पे, कर पाओगे, ये तो क्या है प्योर रोटेशनल मोशन है, प्लस कॉम्बिनेशन है भाई, व्हील क्या चलेगा, ट्रांसलेशनल मोशन को सेव करेगा, मतलब ये घूमेगा नहीं, सिर्फ चलेगा ऐसे भी, समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे भी घूम नहीं रहा, तो ये क्या है भाई आपका,
ट्रांसलेशनल मोशन अभी, ट्रांसलेशन मोशंस। इसके कंडीशन में क्या होगा अभी? देखो ये तो सिर्फ रो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है अभी विद सम वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कुछ मान सकते हैं, ये सब चल रहा है अभी, वही व्हील यूज कर रहे हैं हम लोग, ये स्पोक्स हैं, ये सेंटर है इसका भी प्लस। अब ये बताइए मेरे को, सेंटर ऑफ मास इसका चलेगा अभी? सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इसका? सेंटर पे होगा, जब भी ये घूम रहा है सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा, अभी रेस्ट पे रहेगा सेंटर ऑफ मास, जब व्हील चल रहा है अभी ऐसे सेंटर मास भी चल रहा होगा साथ में, पहले सेंटर यहाँ था, सेंटर यहाँ पे, फिर सेंटर यहाँ पे, ऐसे भी या सर नो? तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कुछ ना कुछ तो होगी अभी यहाँ पे, इट इज़ वी एम मान लेते, वी एम फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, इन दोनों को एक साथ मिलाऊंगी, अब यहाँ पे स्पीड कितना होगा इस पॉइंट के ऊपर? मैंने कुछ माना था स्पीड यहाँ पे, ये स्पीड मान लेते हैं, नाम देते, ठीक है, और यहाँ पे भी वी, विल तो सेम होती है बट डायरेक्शंस क्या होती हैं, अलग होती हैं, इसलिए बुक वाला क्या कर रहा है, इसके लिए माइनस वर्ड यूज़ कर रहा है अभी। यहाँ पे ये पॉइंट वो है, इसका वी जो होगा अभी वही होगा वी सेंटर ऑफ मास बोल लीजिए इसको, सी एम, वी एम लिखा था ना इसको, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी, क्यों लिखा ऐसे, एक प्लस को लिखा, ये माइनस लिख दिया, ये कौन सा प्लस, नेट कितना होना है सेंटर पे, जीरो, कुछ नहीं होने वाला, सेंटर मास वहीं पर क्या रह जाएगा रेस्ट पे, समझ में आई बात है? यहाँ पे अगर v प्लस का, यहाँ पे v किसका, माइनस का, नेट कितना भाई यहाँ पे, बचना नहीं कुछ, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए अभी सेकंड पॉइंट पर देखो क्या होगा, बॉडी क्या कर रही है, चल रही है अभी विद वेलोसिटी, किससे भाई सेंटर ऑफ मास से भी, विद वेलोसिटी सेंटर ऑफ, पूरा व्हील जा रहा है ऐसे, देखो तो पूरा व्हील जा रहा है ना, तो ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तीनों एक दूसरे जा रहे हैं स्पीड से भी, द सेम डायरेक्शन से, यस और नो? यहाँ पे कितनी स्पीड होगी, वी सी एम होगी, यहाँ पे कितनी होगी, वी सी एम, यस और नो? घूम नहीं रहा भाई, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो इन तीनों पॉइंटों पर स्पीड क्या है, सेम है भाई, इन द सेम डायरेक्शन से, कर पाओगे? अब दोनों को मिला दिया गया अभी, क्योंकि रोलिंग करना मेरे को, तो मेरे को पहिया घुमाना भी है, पहिया आगे लेके जाना है, तो नेट आंसर क्या आएगा अभी बताओ, पहिया वही है अभी, अब ये पहिया घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, आपका साइकिल में हो रहा, बाइक में हो रहा, ये केस हो रहा बाइक में भी, ये क्या कर रहा है, रोलिंग कर रहा है अभी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी होगी क्लास? स्पीड तो वही होनी अभी, पहिया इसकी वजह से आगे जा नहीं रहा, इसकी वजह से जा रहा है, दोनों को जोड़ो कितना आंसर आएगा, वी सी एम भी, यहाँ पर कितना आएगा, वी सी एम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वेलोसिटी ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, यहाँ पर कितनी होगी भाई, दोनों को जोड़ो कितना होगा, टू बी सी एम भी, यहाँ पे कितनी होगी, जीरो होगी, समझ में आई बात है? रोलिंग में क्या फर्क पड़ रहा है अभी, सही है कि नहीं है? रोलिंग के अंदर तीनों पॉइंटों पे स्पीड क्या है, अलग है, समझ में आया? तो टचिंग पॉइंट है ना, उस वेलोसिटी मान तक जीरो है, पॉइंट पे चल रहा है पॉइंट सर।